गुड मॉर्निंग गाइस। आज डॉली का तबीयत खराब होते हुए तीसरा दिन हो गया। लड़का ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है ना। हमारा पढ़ना घूमने का सारा प्लान फेल होता हुआ दिख रहा है। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नीलन रोहित एंड डॉली एंड नील। चैनल का नाम लगता है चेंज होने वाला है। लगता है एक नाम ऐड होगा चैनल के अंदर। यस, नील रॉन रोहित। अगर रोहित जी टाइम देंगे तो जरूर चेंज होएगा। अच्छा, इसलिए मेरा नाम नहीं, क्योंकि मैं चैनल पर रहता नहीं है ना भाई। तो ठंड बढ़ गई है पटना में, तो बारिश हो रहा है यार। सुबह सुबह 9 बज रहे हैं और बारिश स्टार्ट। अच्छा अच्छा है ना अनिल। और अनिल हाउ इज फीलिंग नाउ? थोड़ा थोड़ा ठीक है ना अनिल। लड़का भी लड़के को बीमार होते हुए तीसरा दिन हो गया। छोड़ नहीं रहा यार। पापा का भक्त बना हुआ है यार। तीन दिन पटना इतने सालों के बाद आया था, सोच रहा घूमूंगा फिरूंगा, भाई लोग से मिलूंगा अच्छे से। ये लड़का तो तंग करके रख दिया। रोनिल तुम कब ठीक हो गए? तो आ गया फिर 2 महीने के बाद। नवम्बर को बट ऐसे बोलते है। अभी मैं आपको यहाँ नोएडा कह रही हूँ, यहाँ का वेदर दिखाती हूँ। देखिए बाहर बारिश हो रही है और धूप जब नहीं निकली, मतलब हम लोग जहाँ जाते हैं बारिश करा ही देते हैं। अभी रोनी मेडिसिन खाया है कुछ और कुछ बाकी है। बस कैंडीज खाने में कुछ नहीं होता है, बाहर चीजें खाने में कुछ इसको नहीं होता। सीवियर स्टमक इन्फेक्शन हुआ है, इसीलिए पेट में बहुत ज्यादा पेन है। फीवर आ चुका है रोनी को, फिर भी मार लग रहा है। शाम को हम लोग आ गए हैं सरस्वती माँ के दर्शन करने, और इस साल सरस्वती पूजा और क्या कहते हैं वैलेंटाइन एक ही दिन हुआ है। और सरस्वती पूजा के दिन यहाँ बहुत बारिश हुई है, बट फिर भी हम लोग बारिश का वेट करके, अभी बारिश रुकी हुई है तो हम लोग सोचे कि चलो सरस्वती माँ का दर्शन कर ले। तो घर के पास में ही सरस्वती पंडाल लगा हुआ है, तो हम लोग वहीं देखने के लिए दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। रानिल एज यूजुअल माता रानी को देखकर खुद से प्रणाम कर रहा है, और उसे बहुत अच्छा भी लगा पंडाल। तो हम लोग इस पंडाल से फिर बगल में दूसरे पंडाल है, तो वहाँ पे भी सरस्वती माँ का दर्शन करने आए। और यहाँ पे हमें कुछ जानने वाले भी मिल गए, तो ऑलरेडी रानिल के लिए फ्रेंडली था। तो ये सरस्वती माँ भी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर, आप लोग खुद देखिए, बहुत ही सुंदर माँ है। माँ सार रे कहाँ तू बिना बजा रही है। ओम कर्पूर रौरम करुणा सारम संसार सारम भुजे महारम सराव संतम हृदय अरविंदे भवान भवानी सहितम नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव साउंड आ रहा था। और बेटा मजा आ रहा है आपको लाउडली? सारे आरती याद है ना इसको, बस वो नया वाला आरती याद नहीं आया। दीदी को तो, दीदी के तो साथ आओ, फोटो तो क्लिक करो। ये तो पहचान में नहीं आ रहे हो? नहीं, चेंज हो गए दोनों के दोनों। आप पहचान गए थे रोनिल? हाँ रोनिल कौन है? नहीं पहचाना, नहीं पहचाना, और गले तो मिले हो, पहचान गया, फिर बिल्कुल कंफ्यूज हो रहा है। तुम लोग यहीं पे पढ़ते हो क्या? तुम लोग यहीं पे पढ़ते हो? हाँ। अच्छा, वो भैया बोल रहे थे कि जाओ वहीं पे होगी दोनों मिल जाएगी।
गाइस हनुमान जी हमारे भगवान की माता रानी है सरस्वती माँ। गाजर बूंदी में A few moments later. अरे अंजू भैया अच्छे जूता नीचे निकाल दिए। अरे बाप रे बाप। फ्रेंड लोग अरे अंशु चले 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 आइए आइए जल्दी से बैठिए मम्मी दिखा अरे वाह मैसेज भी है हमको भी देखने दो फोटो दिखाओ देखिए आपका एक बाइक देख के खुश हो रहा है रोने बाइक चाहिए बस उसको मिली कौन है अंजू भैया हाँ मजा आ रहा है इसको तो रानी का हो गया लगता है रानी अरे निकालना आ गया पीयू को भी छोटा सा इतने से देख लेने अब पीयू उत्ती की बड़ी हो गई डर भी लगता है मगर पहला बार डर नहीं लगा था अब पहले हमको इतना डर लगता था ना मत पूछिए ये नहीं मैं कुछ ना बस ये डर होता था ना पहले उछल जाती थी अब नहीं उछलती है अरे नंसु हाँ यहाँ पे आएगी पैर रखेगी करो 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 अब तुम्हारे फ्रेंडली हो गए ना तुम करवा सकते हो देखो देख नंसु हाथ ऊपर चढ़ाती है पैर खड़े होके करो खड़े होके आज लगता है इसका मूड नहीं है हाथ ऐसे करो हाथ ऐसे करो हाथ ऐसे करो दोनों हाथ ऊपर खड़े होके हाँ मिलिए ऊपर आ जाओ नहीं मन है इसका मैं तो करती है ये भी बैठ गई इन्होंने पूछ पे नहीं बेटा कर रहा ना हाँ मूड नहीं है दोपहर पे खड़े होने का थका हुआ है थके हुए मिली मेरे को नहीं एकदम मूड ही नहीं है अरे सो के करने का मूड है इसका हाँ बाहर ऐसे दौड़ती है ना ऐसे ऐसे करो कर ऐसे ऐसे देखो एकदम एकदम ये है आज मिली को खेलने का मूड है जमीन से अच्छा अभी रोहित आएगा ना तो देखना रोहित से क्या पता करे गाड़ी का आवाज सुनी पता है अंशु गेट खोलो करना ऐसा लगेगा ना कि ये गेट खोली है सबसे पहले ना वहीं पर जाके खड़ी हो जाएगी गेट देखो अभी आएगा ना रोहित रोहित पे ये ऐसे हाइट वाला अरे रोहित जब जैकेट अगर निकाल के दिखाते हैं रुको मिली आज तुम्हारा स्टंट करने का मन नहीं है ना अरे बाबरे अरे बाबरे अरे बाबरे अरे मन हो गया गुस्सा भी कर रही है मिली नहीं पूछ नहीं करो
चलो मैं ब्लॉग में आ जाती हूँ अंशु के साथ, है ना। तो आई नहीं अंशु ने, हाँ ये देखिए मौसा जी के बाइक पे चढ़ने के लिए रेडी है। नहीं रामी बहुत कीचड़ है बना। अरे थोड़ा सा घुमा देंगे ना, बिना घूमे मानेगा नहीं है। अंशु तुम रुक जाओ, जिया जी को घुमाने तो पहले वहाँ पे पूरा में आता था, एक राउंड तक लगाते हैं। ऐसे ही घुमा दीजिएगा जिया जी, ज्यादा नहीं घुमाएगा। बाउंसिंग भी करना, वो ब्रेक ऐसे ऐसे लगता था ना। राइड रानी बाय, अच्छे से पकड़ के बैठना, बाउंसिंग हो रहा है। खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो, बाय। हेलो गाइस, हैप्पी वैलेंटाइन डे। और वैलेंटाइन पे मुझे क्या गिफ्ट मिल रहा है मैं अभी दिखाती हूँ आपको। मैंने रोहित को बोला कि कैंडल लाइट डिनर पे चलते हैं, तो वो मुझे क्या दे रहा है, क्या स्पेशल दे रहा है, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ये गाइस मेरा वैलेंटाइन मिल रहा है। क्या बना रहे रोहित? मशरूम में दो प्याज। नहीं नहीं नहीं, नाम रोहित खुद रखा था इसका, मशरूम में दही। मशरूम में दही, हैदराबादी मशरूम में दही। और नीतीश हेल्प कर रहा है। नीतीश स्वीटी देखेगी तब बताएगी कि वैलेंटाइन क्या है कि नहीं। स्वीटी क्या है, स्वीटी से पूछेंगे ना कि क्या ऐसे खाया जाता है, सीख क्या है। रोहित तुम क्लास देना ठीक ना। हम क्लास दे दिए इसको, पूछो। अच्छा ये हम ट्रेनी है यहाँ पे। अच्छा इंटर्नशिप कर रहे हो अभी, ठीक है। हाँ गलती से सीख लिए तो फिर लाइफ टाइम के लिए मेंबर मिल जाएगा। नहीं रोहित गलत कर रहे हो, प्याज फेंक के मारने का, फेंक के मारने का प्याज फेंक के मारने का। तो वैलेंटाइन स्पेशल है ना, पूरा तो जबरदस्त लगा था, मस्त लगा। बोला कैंड रेड मशरूम है, रेड मशरूम है। ठीक है देखते हैं, शादी के पहले का वैलेंटाइन ये था। पब्लिकली आज अनाउंसमेंट हो गया, बाकी फिर क्या सुनेंगे, बाकियों का क्या करोगे? वैलेंटाइन एक्स वाई दोनों साथ में, बाकियों का फिर क्या करोगे? बाकी तुम्हारे वैलेंटाइन, बाकी ऐसा मत बोलो यार, बीबी बोल रही है। अच्छा एक ही दो ही है मतलब, बाकी तुमको बता दें घर जाके पूछेंगे मेरे को डोडा ले जाके ना भाई ना। अच्छा ठीक, अभी बहुत वीडियो देखे हैं। ठीक है, इधर मशरूम, इधर प्याज, साइड वाला प्याज को पहले फ्राई करेंगे। मेरे को भी अब समझ में आ गया तो आधा आधा करके नहीं, नहीं पूरा प्याज को फ्राई करके और फिर तो मिक्सी में पीस देंगे। A few moments later. रोहित तुम वैलेंटाइन स्पेशल बना रहे थे ना खाना, और ये हाँ एक मिनट वाले हाँ बताओ और खा किसके साथ रहे? ये वैलेंटाइन स्पेशल हम दोनों को छोड़ दिया, और उस टाइम हम दोनों वैलेंटाइन थे, इसके प्रेजेंट और एक्स और फ्यूचर आ गया। अभी तक वैल्यू ऑफ एक्स नहीं पता चला है। हाँ वही लग रहा है, हम लोग को कह रहा है कि तुम्हारे लिए वैलेंटाइन स्पेशल डिनर बना रहे हैं, है ना। नीतीश कुमार से भी ज्यादा फल्टू निकला। नहीं नहीं पॉलिटिकल बात नहीं करना है ब्लॉग में, है ना रोहित। नहीं नहीं तुम खाओ खाओ खाओ, आप बोलने पे क्या, याद दिलाओ तुम ना, तुम ही तो बोलने पे क्या, मेरे को अभी अचानक से याद आया। खाओ खाओ हम मुझे बोल दो साथे चलो जल्दी जाओ जल्दी जाओ। रणित रणित पापा कहीं घूमने जाने की बात कर रहे हैं, ये यहाँ के बहुत फायदा मिल रहा है मेरे को, पता है पापा भक्त हो गया है। वेरी गुड,